आज मैंने स्पेशली चूज किया है कोर्स बेस्ड क्वेश्चन को, आप दो कोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे एक आइडिया लेने के लिए कि मेरी जो स्ट्रेटजी क्या रहती है कोर्स बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें सीएसटी 2019 में जो कोर्स बेस्ड क्वेश्चन आया था वो था अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, सोक्रेट्स की एक कोर्स है। कोर्स का जो आंसर लिखने का तरीका है ना, उसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो हम सीधा उसकी, अगर हमें आइडिया है कि उसने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कोट बोला है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम डायरेक्टली उस कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं कि सोक्रेट्स का कॉन्टेक्स्ट क्या था। लेकिन मैं अपनी उसमें बताऊँ, मेरे को नॉर्मली आइडिया नहीं होता है कि, क्योंकि यूपीएससी कोर्स कहीं से भी दे सकता है, तो कई बार अपने को आइडिया होता नहीं कि कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में उसने कोट दिया है। तो सबसे बेस्ट थिंग ये होता है कि उस कोट को हम एनालाइज करें आज के रेफरेंस में, और खासकर पब्लिक सर्वेंट की लाइफ में जो कोट लिखा वो किस किस लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और 21st सेंचुरी इंडिया के लिए उस कोट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है आज के दिन। और अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक आइडिया है तो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हो सकता है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, जैसे अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, तो हम सिंपल स्टार्ट कर सकते हैं। सोक्रेट्स का फोकस जो है इस चीज के ऊपर है कि अगर सबसे इजी चीज क्या है ना, दूसरों के ऊपर पॉइंट आउट करना, लेकिन इंप्रूवमेंट स्टार्ट होती है जब इंसान अपने अंदर देखना शुरू करे अपनी मिस्टेक्स को, जंप शॉट एनालिसिस जिसको कहते हैं, वही एक एग्जामिन्ड लाइफ है। जब हम अपनी लाइफ को बैठ के एनालाइज करें कि ओके दिस आई हैव डन दिस रॉन्ग, आई हैव डन दिस राइट, दीज आर माय स्ट्रेंथ्स, दीज आर माय वीकनेस, और ये एग्जामिन्ड लाइफ है। और ये हम नॉर्मली फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है, मीनिंग क्या है, ठीक है। अब इस मैं नॉर्मली कोर्स को एक्सप्लेन करता हूँ इसी में कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट सेंचुरी के लिए सिविल सर्वेंट के रेफरेंस में। तो हम इसमें इसी उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला लिख सकते हैं कि एग्जामिन्ड लाइफ किस लिए इंपॉर्टेंट है, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग बिकॉज उसमें इंप्रूवमेंट, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर हम पहले लाइफ को एग्जामिन करेंगे तभी हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट वी नो व्हाट वी हैव डन, whether we have done it right or wrong, only then we can improve it. और इसी चक्कर इसी के साथ हम उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिख सकते हैं। दूसरा हम इसमें एक इंटरनेशनल उसके साथ कर सकते हैं एक्सप्लेन कि जो कंट्रीज में भी है, जो जिस कंट्री ने अपने आप को ज्यादा एग्जामिन किया है, हम इसमें जापान का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं जो सबको पता होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जापान कॉलोनाइजेशन हुआ जापान का, उसके बाद विद इन 20 ईयर्स दैट कंट्री तो डिकोलोनाइज हुआ ही हुआ, साथ में उसने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज नेशन बना दिया। और उसके पीछे कारण यही था कि उन्होंने अपने आप को एनालाइज किया, अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज किया, वेस्टर्न सोसाइटी को देखा कि वहां पे क्या क्या चीजें अलग है और हमें क्या क्या चीजें अलग है। तो एक नेशन अपने आप को एग्जामिन करता है तो वो अपनी एक नेशन तक वर्थ लिविंग हो जाता है, ठीक है। उसी के साथ में पब्लिक सर्वेंट के लाइफ में भी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। पब्लिक सर्विस ठीक है, एक पब्लिक सर्विस का गोल है, पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में ईयर ऑन ईयर जब हम एनालाइज करें कि ओके मैंने ये प्रोजेक्ट किया, एक तरह का जो रिव्यू स्टेज है वो एक एग्जामिन स्टेज है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन के बाद रिव्यू स्टेज, तो वो उसी की इंपॉर्टेंस है, वो एग्जामिनेशन है एक तरह का लाइफ में। इसी के साथ हम इसको इंडिविजुअल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पर्सनल लाइफ में जो कमिटमेंट है, जो वीकनेस है, जो एरर हुई है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके साथ में मेरे साथ 1/3 आंसर में लास्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मान लो कोई लाइफ अनएग्जामिन्ड है तो वो वर्थ लिविंग कैसे नहीं है, ठीक है। अनएग्जामिन्ड लाइफ में ये कर सकते हैं, जो कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं पास्ट एरर के कि हिटलर, ठीक है, इतना बड़ा वो हुआ, एम्परर हुआ, लेकिन उसमें यही था कि उसने कभी एग्जामिन नहीं किया कि वो एरर करता आ रहा है, स्विट्जरलैंड पे अटैक करने के बाद से उसने जो एरर कमिट किए हैं, बस वो बढ़ता चला गया हुआ। इसमें साथ में बुद्धा का भी हम कोट कर सकते हैं कि बुद्धा के लाइफ का एक्सप्लेनेशन यही थी पूरी कि हमें अपनी लाइफ को एग्जामिन करके और इस तरह बनाना है कि वो सॉल्यूशन के एक चीज के पीछे नहीं दौड़ना है, सॉल्यूशन के पीछे या टोटल एकदम सब छोड़ छाड़ के फकीर बन जाए, मिडिल पाथ भी अपने आप में एक एग्जामिन्ड लाइफ का गोल है। तो इसको इसी तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरा का पूरा आंसर को। लेकिन जैसे कि स्टार्टिंग में एक मैं इसमें एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा बस कि जैसे ये कोट है वो अपने आप में एक नेगेटिव कोट लिखी है इसने,
unexamined life is not worth living. लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको उसी सेंस में पूरा एक्सप्लेन करें. एक पॉजिटिव एटीट्यूड, जब हम कहते हैं कि आंसर लिखते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, तो वो दिखना भी चाहिए आंसर में. जैसे ऐसा नहीं है कि पहले हम पूरा उसी कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं कि अनएग्जामिन्ड नहीं होगा तो ये हो जाएगा, अनएग्जामिन्ड नहीं होगा तो ये हो जाएगा. हम इसको उल्टा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे टू थर्ड आंसर हम ये लिख सकते हैं स्टार्टिंग में ही कि एग्जामिन्ड होगी तो ये हो जाएगा बेटर, एग्जामिन्ड होगा तो ये बेटर हो जाएगा. और बाद में वन थर्ड में लिख सकते हैं कि अनएग्जामिन्ड होने के ये नुकसान है. तो एक तरह का हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है कि हमें डायमेंशन पता है आंसर की, लेकिन फ्रॉम ए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. तो मेरे हिसाब से इस आंसर में, कोर्स वाले आंसर में यही रहेगा. ओके, थैंक यू.